अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ीर बंदीचा और आज लसबिला के एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से इलाके खोंडी में मौजूद हैं, दरियाए पोराली के किनारे पे यहां पे हम आज मौजूद हैं। और हमारे साथ लसबिला के बहुत ही मशहूर उभरते हुए सिंगर, जिसने आजकल टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे बिल्कुल धूम मचा के रखी है, उनकी पहली एल्बम भी रिलीज़ हो चुकी है। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ नसीर बापड़ा की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं कि उनकी पहली एल्बम कामयाब होने पे, और उनसे बात करते हैं कि पहली एल्बम रिलीज होने के बाद आया लोग उनसे राबता कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे गाने सुनकर खुश हुए हैं, सही है, और मजीद मतलब उन लोगों ने मेरे को गाना देने का इरादा किया हुआ है, सही है। इंशाल्लाह इसी पे मेरा इरादा है कि दूसरा एल्बम भी निकालूं। तो बहुत सारे लोग आपको गाने दे भी रहे हैं, रब्ता कर भी रहे हैं, तो आप कौन कौन सी जबान में गा सकते हैं? सर, अगर कोई बरोई में भी दे तो हम गा सकते हैं, और बलोची में भी और उर्दू में भी गा सकते हैं। कोई लिख के दे तो फिर सही है, वैसे सिंधी में तो वैसे ही हम लोग गाते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे को इतना ऊपर उठा लिया पहले एल्बम पे, और मजीद आपको सपोर्ट करें। जी हाँ, वो मजीद सपोर्ट करें, कुछ दोस्त हैं सपोर्ट कर भी रहे हैं, सही गाने वगैरह दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे जो दोस्त हैं सुनेंगे वो भी इंशाल्लाह करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इनकी दूसरी एल्बम का हमें बेसब्री से इंतज़ार, इंशाल्लाह बड़ी ईद पे होगी रिलीज़। और आप इनको सपोर्ट करने और इनको मज़ीद सुनने के लिए, इसके सॉन्ग सुनने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल नज़ीर बंदीचा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वहाँ पे तमाम सॉन्ग्स मौजूद हैं। इसके अलावा नसीर बापड़ा का फेसबुक पे पेज भी है उस नाम से, तो वहाँ पे भी आप इसके सॉन्ग्स सुन सकते हैं। और अगर आप कोई गाना अपना देना चाहते हो, बिरावी, बलोची, सिंधी या उर्दू, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना गाना देना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे नसीर बापड़ा के आप रब्ता कर सकते हैं, उस पे कांटेक्ट करें, आपके गाने इंशाल्लाह नसीर बापड़ा गाएंगे और इंशाल्लाह धूम मचाएंगे। तब तक नज़ीर बंदीचा को नसीर बापड़ा के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द एक मरतबा फिर लौटेंगे। अल्लाह हाफिज़।